एक रिपोर्ट के अनुसार 45% ऑफ द यंग एडल्ट्स सोशल मीडिया यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा एंग्शियस फील करते हैं। उन्हें अकेलापन और डिससैटिस्फेक्शन फील होता है। कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है जस्ट I don't want to be Carrie Minati. I just want to be Ajay Nagar. Your mental health definitely goes down the drain. I mean, I don't know for everybody minded. Oh, you take a selfie, you make a joke and you put it out. It's just that. Suicide, depression is the next big epidemic to hit the world. I think for me, the idea really was to just change the way people in India and in the world look at mental illness. करोड़ों लोग जानते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, घर आते हो, आप अकेले हो, अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको, शाम को अंधेरा हो गया, वो चीजें अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह की कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। उस समय इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि क्योंकि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर्स के सुसाइड केस का बढ़ना, फ्रॉड ऑनलाइन स्कीम्स, मार्क जुकरबर्ग की माफी मांगना और इनमें से बाहर आने के तरीके, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैप्पीनेस, क्या ये सच में हमें सोशल मीडिया पे मिल गई है? क्या आप, मैं, हम सब आज बहुत खुश हैं? अगर हाँ, तो क्यों हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे ही पास बैठे व्यक्ति के जीवन में आखिर चल क्या रहा है? क्या पहले जैसे बातचीत ऑफलाइन मिलना एक आउटडेटेड बात है? क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स बनने से जिंदगी आसान और अच्छी हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा जिनकी हर बात पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन इतने खुश और कामयाब दिखते हैं, वो असल में अपनी खुद की बनाई हुई इस दुनिया में कितने खुश है? ये इन्फ्लुएंसर्स भी तो हमारे बीच से ही कोई है, फिर आखिर इतने सुसाइड क्यों? सोशल मीडिया जितनी तेजी से हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, उतना ही वो हमारे कीमती समय को खत्म करता है। आए दिन आपको कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर मिल ही जाएगा जिसकी काफी ज्यादा फॉलोइंग है, पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर इतनी फॉलोइंग, पैसा, नाम होने के बावजूद ये खुद किन चीजों से परेशान है कि अपने लाइफ खत्म कर लेते हैं। सबसे पहला है केरला डिप्रेशन केस, जो कि एक सुसाइड का है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ केरला के रहने वाले अजमल शरीफ जी के साथ, जिसने दिसंबर में सुसाइड कर लिया। सोशल मीडिया पर हमेशा खुश दिखने वाले ये शख्स जॉब ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताई थी सुसाइड करने से पहले। कोई छोटी बात नहीं है, मेहनत होगी, पर फिर भी अपनी बात को किसी से शेयर नहीं कर पाया। सोशल पोस्ट में खुश दिखने वाला अंदर से इतना दुखी। परिवार के अनुसार वो डिप्रेशन में था, मेंटल हेल्थ ठीक ना होने से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सोचने वाली बात यह है कि भीड़ में भी कितना अकेलापन है, किस झूठी और खोखली दुनिया का हिस्सा है हम सब। ऐसा ही एक केस मेकअप और ब्यूटी का सामने आया। ब्यूटी एक ऐसा वर्ड है जो सभी को आकर्षित करता है। मेकअप से इसमें चार चांद लगता है। हर आर्टिस्ट का एक तरीका होता है इसे प्रदर्शित करने का, पर क्या हो अगर मेकअप करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़े? सेकंड है मेकअप आर्टिस्ट सुसाइड। Why? Because he is a boy. उज्जैन में रहने वाले एक टैलेंटेड लड़के ने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि वो एक मेकअप आर्टिस्ट था एंड वो एक लड़का था और उसे मेकअप करना पसंद था। रील्स बना के अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट करता था। बस यही एक गलती की उसने, जिसके लिए उसे पूरी तरह ट्रोल किया गया और आखिर जिससे परेशान होकर उसने इतना कठोर कदम उठा लिया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला, भविष्य में वो एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बन सकता था। आखिर क्या बीती होगी उनके माँ बाप पर? 2024 में जहाँ पहले से ही कई लड़के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे इतना नाम कमा चुके हैं, उनमें से ही एक है अंकुश बहुगुना। जब लोग इन्हें पसंद कर सकते हैं तो प्रियांशु को क्यों नहीं? जरूरी बात के लिए आवाज उठाने की जगह ट्रोल करके किसी आर्टिस्ट के मेंटल इमोशनल हेल्थ को खराब करना कितना सही है? आकर्षण, ये शब्द आते ही कई तरह के विजुअल्स सामने आते हैं। उनमें से एक है वेल टोन बॉडी, जो कि हम सब कहीं ना कहीं चाहते भी है। थर्ड है वेट लॉस ट्रेंड सुसाइड केस चाइना। जब आप सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति को देखते हो जिसकी बॉडी अच्छी है, स्लिम है, दिखने में भी हैंडसम है, देन हम सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं एंड हम भी चाहते हैं कि हमें भी उसकी तरह स्लिम बनना है। पर इसके लिए किसी भी ऑनलाइन ट्रेंड को फॉलो करना कितना सही है? जल्दबाजी में कुछ दिनों में वेट लॉस करना
कैसे भारी पड़ सकता है, आइए जानते हैं। चाइना में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया। वेट लॉस ट्रेंड फॉलो करते हुए 21 साल की एक लड़की कुईहुआ 100 केजी वेट को कम करके दिखाना चाहती थी। वैसे ये वो पहले भी कर चुकी थी और इसे लोगों ने काफी पसंद किया और इसके फॉलोअर्स काफी बढ़ गए, पर इस बार उसकी मेहनत उसने जान दे के चुकाई। मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए और उसका नतीजा बेहद बुरा। सोशल मीडिया पे जल्दी वायरल होने के लिए, किसी भी ट्रेंड को या जल्दी पैसे कमाने के लिए, पॉपुलर बने रहने के लिए बिना सोचे हर बात को फॉलो कर लेना। हम सब आए दिन ऑनलाइन कुछ ना कुछ नया जरूर देखते हैं, समझना चाहते हैं जिसे हम कम समय में ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। फिर भले ही वो रास्ता कोई मेंटर, कोर्स या स्कीम से पता चले, कहां कितने पैसे लगाए, क्या सीखे और कैसे जल्दी अमीर बने, ये एक लेविश लाइफ का स्टेज बन चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे बस बिना मेहनत के सिर्फ फॉलोइंग से आप अमीर बन जाएंगे। इसी बात का फायदा धोखे देने वाले उठाते हैं। फोर्थ है ऑनलाइन स्कीम फ्रॉड विद इन्फ्लुएंसर्स। ऐसा ही एक स्कैम जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया, जहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने एक मार्केटिंग की एक कंपनी की और वो कंपनी एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फर्म थी और लोगों ने आंख बंद करके उनपे भरोसा किया, जिसका नतीजा ये हुआ हजारों लोगों का मिला धोखा। करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद प्रीमोटर्स गायब हो गए। बड़े संख्या में फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स ने एक कंपनी का समर्थन किया और लोगों से अवसर का लाभ उठाने, निवेश कराने, आकर्षक रिटर्न कमाने के लिए कहा। ज्यादातर महिलाएं इसका शिकार हुई। इन्फ्लुएंसर्स की कई हुई हर बात पे विश्वास करना कितना भारी पड़ा, इसलिए बिना जांचे विश्वास ना करें। नेक्स्ट है इन्वेस्ट नाउ एंड गेट रिटर्न्स इन 30 to 35 मिनट्स। आखिर ये सब भी तो हम में से ही एक है। क्या मेहनत करके पैसे कमाना एक पुरानी बात हो गई है? क्या ऐसी स्कीम की एक नई जॉब है? मैंने पैसा डबल सुना था, पर 30 से 35 मिनट में ज्यादा पैसा रिटर्न, ये एक नई ऑनलाइन स्कीम सुनी जिसके झांसे में भी काफी लोग आ गए। एक महिला द्वारा 75,000 इन्वेस्ट करने के बाद जब उसे रिटर्न नहीं मिला, तब पुलिस कंप्लेंट की गई, जिससे इस स्कीम को मार्केट करने वालों का भांडा फूटा और मोहम्मद हमजा जाकी नाम के व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। इतना ही नहीं, स्कीम को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी इस मामले में? ऐसा धोखा देने वाले का साथ देकर इन्फ्लुएंसर्स का पैसा कमाना कितना सही है? इसी तरह कई और स्कैम, सुसाइड आए दिन होते रहते हैं। किसकी गलती है इसमें? क्या हम सब आंख बंद करके बस एंटरटेनमेंट चाहते हैं और साथ ही किसी को भी ट्रोल करना, या फिर बस यूं ही किसी के भी बात पर भरोसा करना जस्ट बिकॉज उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी है? और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे मार्क जुकरबर्ग के साथ। आइए जानते हैं अपोलॉजी ऑफ मार्क जुकरबर्ग। कुछ समय पहले मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे बच्चों के खिलाफ अप्रदरिक मामलों के लिए पीड़ित परिवारों से माफी मांगी। वहां उन बच्चों के माता पिता मौजूद थे जो सुसाइड कर चुके थे। ये बहुत ही संवेदनशील मामला रहा। इससे ये भी साबित होता है कि कैसे आज के दौर में सोशल मीडिया हम सबकी मानसिकता को प्रभावित कर रहा है। ना चाहकर भी कोई इसे बेच नहीं पा रहा। वर्ल्ड में 60 से 70 मिलियन पीपल मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है और इंडिया एक वर्ल्ड सुसाइडल कंट्री बन चुकी है, जिसमें हर साल हमें 2.5 लाख से ज्यादा सुसाइड केसेस देखने मिलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हम इस स्ट्रेस से डील कर सकते हैं? देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम डॉक्टर के पास अपनी हेल्थ इश्यू लेके जाते हैं, तब ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए क्यों नहीं है? अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते? क्या हम इस मेंटल डिसऑर्डर का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? किसी भी बात से परेशान हो, फिर वो ट्रोलिंग ही क्यों ना हो, हेल्प तो ली जा सकती है। स्ट्रेस से परेशान हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय पे एक कॉल क्यों ना किया जाए अपने दोस्त को या एडवाइजर को। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, तब मेरा एक फ्रेंड बड़े स्ट्रेस में आ गया और वो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था, लेकिन फिर उसने मुझसे बात की, जिसके बाद उससे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने पूरी तरह से एग्जाम पे फोकस किया और ये बात बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उसने टॉप भी किया। हम हमारे लाइफ में अगर कुछ सही नहीं चल रहा हो, देन हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी होती है एंड हम किसी से बात नहीं करते, पर ये सब होना स्वाभाविक है। ऐसे सिचुएशन में आपको एक ऐसे इंसान के साथ बात करने की जरूरत है
जो आपको सॉल्यूशन ना दे, सिर्फ आपकी बात सुने। और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जी के साथ। एक समय पे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से दीपिका पादुकोण जी जा रहे थे। इस स्टेज को वो बेहद अच्छे से समझती है, इसलिए इन्होंने हम सबके बीच एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाया। 2015 में एक फाउंडेशन लॉन्च करी जिसका नाम है लिव लव लाफ। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो आए दिन वो किसी ना किसी छोटी से छोटी बात पर ट्रोल्स होते रहते हैं। इसने ये कहा, उसने वो बोला, उसने ऐसा जवाब दिया। पहले लोग रिलेटिव्स की कही हुई बातों से परेशान होते थे, अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस होने से अनजान लोगों से परेशान है। कुछ भी कह के निकल जाते हैं ऐसे लोग। पर क्या ट्रोल्स का हमारे जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंस है? क्या हमारे सपने से, हमारे टैलेंट से, जो हमारे साथ अपनी फैमिली की मेहनत है, उससे ज्यादा क्या बड़े हैं ट्रोल्स? देखो, ये सब तो सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसके ऊपर ये सारी चीजें गुजरी हो। हाँ, दुख होता है, रोना आ सकता है, ऐसा लगेगा सब छोड़ दो। जब भी ऐसे थॉट्स आए ना, अपने आप को ये याद दिलाना कि आप अकेले नहीं है। ऐसे कम्युनिटी से जुड़े, ऐसे दोस्त बनाए या अपने काम को सही लोगों तक पहुंचाए जो उसे अप्रिशिएट करते हैं। रास्ता लंबा हो सकता है पर इम्पॉसिबल तो नहीं। ऐसे ही एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक फेमस कपल के बारे में। और वो फेमस कपल है अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा। आए दिन आप न्यूज में तो उनके बारे में सुनते ही होंगे, पर क्या आपको पता है मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर इसको कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो, हम सभी को तो ये पता है कि उनके बीच 12 साल का गैप है। इसी बात को मुद्दा बना के आए दिन ट्रोल उन्हें बहुत सारा किया जाता है, पर वो अपनी पर्सनल लाइफ में इसका असर बिल्कुल भी नहीं होने देते। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है कि कैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके हिसाब से ये सब फेक है। एंड कहीं ना कहीं लोग उनके या किसी भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। देखो, अब मैंने आपको सारी चीजें तो बता दी। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ऐसा तो नहीं है कि हम सारे लोग अपने लाइफ से खुश है। आपके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी, स्ट्रेस होगा, पर इसका एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है, बात करना, कोई ऐसे इंसान के साथ अपनी चीजें शेयर करना जो आपको अच्छे से समझ सके। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डार्क रियलिटी सोशल मीडिया की है, और भी बहुत कुछ है दुनिया में जो हमें तोड़ सकता है, पर हीरो वही है ना जो इनसे भी रास्ता निकाल ले। तो हम सब ने आज से, बल्कि अभी से, अपनी जिंदगी का हीरो बनना है। हम खुद को कैसे बचाए, पहले वो करते हैं, फिर धीरे धीरे एक दूसरे का साथ देते हैं। और हाँ, आप अपने फ्री काउंसलर्स की हेल्प भी ले सकते हो। चलो फिर आज से साथ मिलके ट्रोल नहीं मोटिवेट करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई अपना टैलेंट शो करता है। आपको वो समय तो पता ही होगा जहाँ पर लोग ऑफलाइन यानी फेस टू फेस मिलना ज्यादा पसंद करते थे। ये भी बहुत अच्छी थेरेपी है। अब भला दोस्त किसी थेरेपी से कम है क्या? मेरा ये वीडियो बहुत स्पेशल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जरूर है, पर बात ये है दोस्तों कि मेरा इंटेंशन आपको जागरूक करना और सच बताना है, ना कि डराना। ध्यान रहे, हम क्या देखें, किस पे विश्वास करें, वो तो हमारे हाथ में है, क्या फॉलो करना है क्या नहीं। ये सारे टॉपिक्स पे आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है तो वो है जेन जी। जेन जी को सोशल मीडिया पे रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और जेन जी एक ऐसी चीज है जो हमारा फ्यूचर है। एंड मैंने उनके ऊपर भी एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बना है। अगर आपको जेन जी के ऊपर वो पूरा वीडियो देखना है, देन यहाँ पर आपको पॉपअप आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।